स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जिंगजू के बारे में। जिंगजू क्या है? जिंगजू एक प्लांट का ग्रुप है और ये किसके अंडर आता है? ये आता है जिंगजू फाइटा के अंदर। अब ये जो जिंगजू फाइटा है, अगर हम इनकी बात करें कि ये क्या है, तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर जो है वो सीड प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये सीड वाले वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज होते हैं जो कि वाटर को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो सिर्फ सीड जो है वो मौजूद होता है। यहाँ पे अगर आप अपने सामने जो है इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये क्या है, ये है जिंगजू बाइलोबा। जिंगजू बाइलोबा जो है वो इसी ग्रुप में जो है एक प्लांट है जो कि इसको हम स्टडी कर रहे हैं। और अगर आप इस प्लांट की तरफ देखें तो इसके अंदर जो है आपको नजर आते हैं कि ये सर्कुलर से जो है ये सीड जो है वो इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब है ये क्या है, ये सीड वाले वेस्कुलर प्लांट्स हैं। और इसका अगर हम एक और नाम देखें, एक और टर्मिनोलॉजी देखें, तो इसको मेडन हेयर ट्री भी कहा जाता है, यानी कि जिंगजू बाइलोबा जो है उसको मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। अब अगर हम इस प्लांट की जो है वो लेंथ की बात करें तो ये जो प्लांट है इसकी लेंथ जो है वो 70 फीट है, यानी कि 70 फीट जो है वो इसकी हाइट है। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि ये जो आपको इसके लीव्स नजर आ रहे हैं, अगर हम इसके इन लीव्स की बात करें तो इनके लीव्स जो है उनको अगर हम गौर से देखें तो वो हमें इस तरह से नजर आते हैं। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह से फैन होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये फॉर्क वेंड फैन शेप के लीव्स हैं, यानी कि इसके जो लीव हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जिस तरह से फॉर्क होता है, यानी कि दो इसकी बाइफ्रिकेशन हुई हुई है और इसके अंदर जो है ये वेन्स मौजूद हैं, इसलिए ये क्या हो गए, फॉर्क वेन। और अपेयरेंस अगर हम इसकी देखें तो वो किस तरह की होती है, वो फैन की तरह की होती है, पंखे की तरह की होती है, इसीलिए हम कह देते हैं कि ये है फॉर्क वेन फैन शेप लीव्स। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये जो प्लांट हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये जो जिंगजू फाइटा है इसके तमाम के तमाम प्लांट्स जो हैं वो अब मौजूद नहीं है। सिर्फ एक जो प्लांट जो अभी स्टडी किया जाता है वो है जिंगजू बाइलोबा। और अगर हम बात करें इनके प्लांट्स की, तो इनमें से कोई भी प्लांट जो है वो अब नेचुरली जो है वो मौजूद नहीं है, यानी कि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और ये सारे जो हैं वो कल्टिवेट किए जाते हैं, यानी कि खुद जो है वो सीड लेके इसका लगाया जाता है। और ये कहाँ पे कल्टिवेट किए जाते हैं, ये ज्यादातर कल्टिवेट किए जाते हैं चाइना में, जापान में और यूएसए में। इसके अलावा अगर आप इसके यूज की बात करें तो यहाँ पे आप अपने सामने जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है ये मेडिसिनल तौर पे जिंगजू बाइलोबा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स जो कि मेमोरी से रिलेटेड होती हैं, मेमोरी इन्हेंस करती हैं, बढ़ाती हैं, उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये तो है जिंगजू बाइलोबा जो कि एक वाहिद स्पीशी है जिंगजू की जो कि अभी तक जो है वो सर्वाइविंग है। ये था जिंगजू के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।